मोदी ने मन की बात में कहा कोरोना के खिलाफ जनता लड़ रही है लड़ाई, प्रशासन का मिल रहा सहयोग, कहा ईद आने से पहले कोरोना से जंग जीतने का ले प्रण। पीएम ने कहा ऐसा लग रहा है देश में महायज्ञ चल रहा है, इसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए बेचैन है, कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई पेंशन दान कर रहा है। पीएम मोदी ने दी जानकारी covidwarriors.gov.in पोर्टल से देश के 125 करोड़ लोग जुड़े, इसमें तमाम डॉक्टर और नर्स शामिल, आप भी इससे जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। पीएम मोदी ने किया आगाह जिस इलाके में कोरोना नहीं फैला है वहां लोग ये भ्रम ना पाले कि कोरोना वहां नहीं पहुंच सकता, जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पीएम ने कहा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश लाया गया है, इसके हर कोई सराहना कर रहा है, बोले एक टीम की तरह काम कर रहा देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना संकट के बीच दुनिया में भारत के पहल की हो रही है चर्चा, बातचीत में दूसरे देशों के राष्ट्रध्वज जब बोलते हैं थैंक यू इंडिया तो होता है गर्व। पीएम मोदी ने कहा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दुनिया भारत के आयुर्वेद और योग से ले रही सीख। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट के बीच मास्क सभ्य समाज का प्रतीक और जीवन का हिस्सा बन गया है। पीएम ने कहा अपील की सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की बुरी आदत वाले लोग इसे छोड़े, कोरोना से लड़ाई में करें सहयोग। पीएम ने कहा हमें इकोसिस्टम के बारे में सोचना चाहिए, अक्षय तृतीया पर हमें सुनिश्चित करनी होगी धरती की सुरक्षा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी 3 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन में नहीं होगी कोई ढील, केंद्र के फैसले के बाद ही दिल्ली में लॉकडाउन पर होगा कोई फैसला। केजरीवाल ने दी जानकारी दिल्ली के रिहायशी इलाके में खोली जाएगी दुकानें लेकिन बाजार और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद। सीएम के मुताबिक दिल्ली के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के लिए पिछला हफ्ता अच्छा रहा, 580 कोरोना पीड़ित ठीक होकर घर गए। प्लाज्मा थेरेपी के सकारात्मक नतीजे का केजरीवाल ने किया जिक्र, LNJP में कोरोना पीड़ित के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की दी जानकारी। लॉकडाउन के बीच इंदौर में पोर्शे के से तफरी करने वाला निकला सड़क पर अपनी बड़ी बहन के साथ, गुजरात के छपरा से बड़ौदा आई 14 साल की लड़की कोरोना पॉजिटिव, बड़ी बहन की रिपोर्ट आई नेगेटिव। जमशेदपुर में एक फल की दुकान पर दिखा पोस्टर लिखा विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल की दुकान, पुलिस ने दुकान से हटवाया पोस्टर। संबित पात्रा ने हिंदू फल की दुकान और मुस्लिम होटल वाली तस्वीरें ट्वीट कर कार्रवाई का उठाया सवाल, पूछा क्यों किया जा रहा पक्षपात। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी हिंदू फल की दुकान वाला पोस्टर किया ट्वीट, लिखा तुष्टिकरण के नाम पर फल विक्रेताओं को किया जा रहा परेशान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक को दी जानकारी सरहद पर तैनात कोई जवान कोरोना संक्रमित नहीं। सीडीएस बिपिन रावत के मुताबिक नौसेना के जहाज और सबमरीन में तैनात जवानों, अफसरों और वायुसेना के जवानों और पायलट में भी अभी तक कोरोना का संक्रमण नहीं। बिपिन रावत के मुताबिक समय समय पर तीनों सेनाओं को पीएम और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए जा रहे हैं दिशा निर्देश। जिले के हिंदूराव अस्पताल में नर्स कोरोना संक्रमित, अस्पताल बंद, सैनिटाइज करने के बाद होगा शुरू। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में फ्री चाय और पकौड़े बांटे गए, लंबी कतार के बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान। दिल्ली के रजौरी गार्डन में ड्रोन से किया गया सैनिटाइजेशन। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या 90 से ज्यादा, 448 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई में 4 दिनों तक रहेगा फुल कर्फ्यू, सीएम पलानी सामी ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में गेहूं विक्रय केंद्र पर लगी ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह के लोग, प्रशासन ने मानी SMS की छूट। दक्षिण कन्नड़ में ट्रक में मछली की लोडिंग के दौरान दिखे सैकड़ों मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 26,496, 12 घंटे में करीब 1,500 कोरोना के मरीज बढ़े, अब तक संक्रमण से 824 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण की महाराष्ट्र पर सबसे भयानक मार, अब तक 7,628 लोग कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 323 लोगों की मौत, 24 घंटे में 22 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 4,500 के पार, अकेले मुंबई में 178 मौत।
मुंबई के धारावी में दो पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। अब तक धारावी में कोरोना के 241 मरीज, 14 लोगों की हुई मौत। दो दिनों में मुंबई में कोरोना से दो पुलिसकर्मी की मौत, 57 और 52 साल के दो पुलिसकर्मियों ने तोड़ा दम। गुजरात में तेजी से बढ़ रही कोरोना पीड़ितों की संख्या, अब तक 3,071 लोग हुए कोरोना से पीड़ित। गुजरात में कोरोना से 133 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में तेजी से बढ़ा है कोरोना संक्रमण, 111 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 2,625 पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण से एक और ने तोड़ा दम, अब तक सूबे में कोरोना से 54 मौत, 857 लोग संक्रमण से हुए ठीक।